हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है पोहा। आप कोई सी क्वालिटी का पोहा ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह का पोहा लिया है, इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ लिया हमने बाउल, ये डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसे दो तीन बार पानी से इस तरह मसल मसल के धो देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से मसल दिया है अच्छे से और इसे दो तीन बार धोते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये दो तीन बार धो दिया है, आप देख पा रहे होंगे आज से। अब हम इसमें आधा गिलास पानी और डाल देते हैं, ये देखिए, ताकि हम इस तरह से कर देते हैं ताकि हमारा पोहा अच्छे से फूल जाए। और तो फ्रेंड्स, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने पोहे का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इस अच्छे से फूल भी गया है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह हाथ से इसे मसलेंगे, ये देखिए, इस तरह से इसे एक डोए की तरह हो जाएगा। और फ्रेंड, हाँ, मैंने ये उबले हुए आलू, इनको मैंने मैश कर लिया है। ये तीन उबले हुए आलू हैं, ये भी डालती हूँ इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने आलू डाल दिए हैं और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करेंगे, सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आलू और पोहे को। तो फ्रेंड्स, बाकी का और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो हरी मिर्च ली हैं और एक इंच अदरक का टुकड़ा, ये डालते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ दाने डालते हैं हम जीरे के, हमने जीरा ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा डालते हैं हम हल्दी पाउडर, ये देखिए हल्दी पाउडर डाल दी है। थोड़ा सा डालते हैं हम गरम मसाला, ये आधा इंच के करीब हमने गरम मसाला भी डाल दिया है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी डालते हैं हम अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च। तो हमने लाल मिर्च डाल दी है। अब डालते हैं हम यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार नमक, तो हमने नमक भी ऐड कर दिया है। और कुछ पत्तियाँ डालते हैं हम हरे धनिया की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ताज़ा हरा धनिया है, हमने ये भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डालते हैं अमचूर पाउडर, ये देखिए अमचूर पाउडर डाल दिया है। तो हमने लिया है यहाँ पे गेहूँ का आटा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गेहूँ का आटा डालेंगे, ये देखिए। अभी हमने दो चम्मच डाला है और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। आप इसकी जगह अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से डो तैयार हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, पर हमने वो छोटा बाउल था दूसरे में चेंज कर लिया। आप ये देख रहे होंगे कि पहले छोटे में था, बड़े में। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इन्हें बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मैंने तेल लिया है, अब हम इसमें से थोड़ा सा तेल हथेलियों पे लगा लेते हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे पेड़े जैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये इस तरह से बनाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। टिक्कियाँ सी बनाई हैं, क्या देखिए, टिक्की कह दो या पेड़े कह दो, वो एक एक करके हम इसमें छोड़ते हैं और देखते हैं हमारी कढ़ाई में कितने आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 300 छोड़ दिए, यानी कि हमारी कढ़ाई में 4 ही आ पाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे नाश्ते को शाम की चाय के साथ बना रहे हैं। इधर हमारी चाय बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये कुछ सिके या नहीं, पलट के देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पलटे जा रहे हैं, यानी कि हम इन्हें पलटते पलटते इन्हें सेकेंगे। अब हम इधर को पलट देते हैं, इसी तरह हम इन्हें अलटते पलटते सेकेंगे, हमें ये क्रिस्पी करने हैं। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी तरफ से पलटते हैं, देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सिके। अब हम इधर से सेकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, सभी अच्छे से सिक गए इधर से। अब हम इधर से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये इसी तरह सेकने हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में जगह हो गई थी तो हमने इधर और छोड़ दिए, और आप देख रहे होंगे, ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, ये देखिए। और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये सभी इसी तरह सेकने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा नाश्ता झटपट बनके तैयार हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।